ऑलराइट, सो ये चीज़ें हम समझें कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एंड हाउ इज दिस ग्लोबल वार्मिंग अकरिंग, ठीक है, व्हिच हैज सेंट शॉक वेव्स डाउन द स्पाइन ऑफ ऑल द वर्ल्ड लीडर्स एंड दे आर नाउ पुटिंग देयर हेड्स टुगेदर दैट हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, बिकॉज अल्टीमेटली राइट द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड इज बेस्ड ऑन राइट कंटेनिंग द ग्लोबल वार्मिंग which is going on an unprecedented scale. इतना समझ सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग अगर हम कंटेन नहीं की राइट तो बहुत जल्दी, इतना बता दूँ, बहुत जल्दी होने वाला है हमारा मुंबई, ठीक है, इसलिए मुंबई मत कोई जाए, ठीक है, और कोई घर में कोई, मुंबई पूरा अंदर है पानी के अंदर, ठीक है, गोवा पूरा अंदर होगा, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सिटीज, सो फार एज नेबरिंग कंट्रीज आर कंसर्न राइट ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री है वो सारी पानी के अंदर होंगी राइट, और मालदीव्स ने राइट समुद्र के अंदर कैबिनेट की मीटिंग भी कर ली कि देखो भाई हमारा हाल ये होने वाला है, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की अंदर जाके, ठीक है राइट, कि हमारा हाल ये होने वाला है और प्लीज़ हमारा क्या कसूर है इसमें, हम तो कंट्रीब्यूटरी नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस के, पहले ये चीज़ें आपको समझनी है राइट, सबसे बड़े जो कल्प्रिट्स हैं राइट दे आर एब्सोल्युटली अनअवेयर ऑफ दिस मैसिव प्रॉब्लम एंड वी आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर सफरिंग राइट, समझे, सफरिंग राइट at the behest of these big powerful countries who are the more important culprits of release of greenhouse gases, theek hai right, USA ki kuch city pani ke andar aayegi bahut jaldi right, agar ye global warming halt nahi hoti jo ki bade kam chances lag rahe hain ki aisa kuch hoga, theek hai, considering the fact that bahut se ideological differences hain, koi bhi country apni development activities kam nahi karna chahti right, and right it is in the process of releasing huge quantity of what you call as greenhouse gases, right? सबसे बड़ा कल्प्रेट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम सारी बातें करेंगे, CO2, ठीक है, CO2 हमने इतनी रिलीज कर दी, मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन साइकिल को हमने डिस्टर्ब कर दिया, अदरवाइज राइट CO2 यूज टू बी प्रेजेंट ऑन दिस प्लानट इन द एटमोसफेयर राइट, पर्टिकुलरली इन वेरी माइन्यूट क्वान्टिटी 0.03% है सर, बट उसकी क्वान्टिटी हमने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स राइट, पावर प्लांट्स राइट, through other man-made activities such that this carbon dioxide is now right acting as the major factor of what you call as artificial greenhouse effect, theek hai, jo artificial greenhouse effect, to pehle aapko ye cheeze bhi samajhni hai ki greenhouse effect kyon kaha jata hai isko, global warming kya cheez hai, greenhouse effect kyon kaha jata hai right, then what are the major greenhouse gases jiske through ye greenhouse effect, to pehle aapne samajh liya ki climate change जो है ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, हम क्या ग्लोबल वार्म की बात कर रहे हैं, ग्लो हमारा वार्म हो रहा है, हम टाइम लेते हैं जनरली 1850 से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, 1900 तक का टाइम लेते हैं, उससे पहले टेम्परेचर एवरेज इतनी थी और अब उसके बाद इतना राइज हुआ है ग्लोबल टेम्परेचर में, विच इज़ नॉट मच, ऑलमोस्ट 0.76, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1%, अब ये ले लो, ठीक है, 2% तक भी कोई ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो गए, बट जिस हालत से कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ हो रही है और जितना पोल्यूशन या कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हो रही है पूरी